भाई सोने का टाइम खत्म, चलो। हाय गाइस, मैं जा रही हूँ कैंपिंग करने के लिए। देखो ऊपर से नीचे तक मैं एकदम रेडी हूँ। हाँ, बहुत सारा सामान है मेरे इस बैग में। वाओ, दिस इज माय लिविंग इन अ टेंट फॉर 24 आवर्स चैलेंज। टेंट कहाँ है, आ जाओ दिखाती हूँ। यहाँ पे नहीं है। अरे यार, मुंबई में मॉनसून आ चुके हैं, दिन रात इतनी जोर की बारिशें हो रही है। अगर मैं यहाँ टेंट लगा दूँ ना, तो मेरा टेंट और मैं दोनों के दोनों हवा के साथ उड़ जाएंगे। देख रहे हो कितनी तेज हवा चल रही है। तो चलो आप लोगों को दिखाती हूँ फाइनली मैंने टेंट कहाँ पे लगाया है। हाँ? Guys, ये है मेरा आज का कैंपिंग सेटअप। जी हाँ, लिविंग इन माय टेंट फॉर 24 आवर्स चैलेंज। कितना क्यूटली है, मेरे टेंट के बाहर बैठे थे बेबी। आ जाओ बैठ जाओ। हाँ बैठ जाओ बैठ जाओ। सिमू भी मेरे साथ आज कैंपिंग करने वाला है। सिट सिट, मुझे रूल्स बता दे तो चैलेंज के। भाग गया। सो गाइज, ये है मेरी लक्ष्मण रेखा, इसे मैं पार नहीं करूंगी, ठीक है। ये मेरा एरिया है पूरा, यहीं रहूंगी अंदर। ये रहा मेरा गैस, जिसपे आज मैं पूरा कैंपिंग का मजा लेते हुए खाना वाना कुछ बनाने का सोच रही हूँ, ठीक है। देन ये मेरा स्टूल है, यहाँ पे आके बैठ जाऊंगी। ये सिम्बा की चेयर तो आप लोगों ने देख ली है कैसे बैठा था। चलो अब आपको अंदर का दिखाती हूँ। अंदर दिखाई टेंट, क्या क्या तैयारी की है हमने चैलेंज के लिए, देखना हम लोगों को। पहले तो ये कैंपिंग का बैग हटा दो। ऑलराइट, लेट्स ओपन द टेंट। 1, 2, 3। भाई ये आज मेरे टेंट की वाट लगाने वाला है। बाहर निकलो, बाहर निकलो मेरे टेंट से। सिम्बू ये मेरा चैलेंज है यार, तो मारा नहीं है, बाहर आओ। कम आउट, कम आउट पपी, कम आउट। यार ये तो हटने वाला है नहीं। चलो मैं आप लोगों को अंदर का सेटअप दिखाती हूँ। ये देखो, ये मैंने लगाया है मेरा फूड और स्नैक्स कॉर्नर। देखो मेरे पास कितनी सारी चीजें हैं यहाँ पे खाने के लिए, तो मैं कुछ नहीं मिलेगा इसमें से। एंड ये तो मेरी गद्दी, आपको पता ही है ना मेरी फेवरेट गद्दी हर चैलेंज के लिए, वो ये इसके अंदर यही एडजस्ट हो सकती थी। मेरा कंबल, ये रहा मेरा क्यूट सा हुडी तकिया। Are you gonna stop it or no? वैसे मुझे पहले टेंशन थी कि शायद इस टेंट के अंदर मेरा टाइम पास नहीं होगा, बट इसको देखते हुए मुझे लग रहा है कि हो जाएगा। फिर भी मैंने टाइम पास करने के लिए यहाँ पे एक बहुत ही क्यूट सा वर्क स्टेशन भी बनाया है, जहाँ पे मेरा लैपटॉप है। One eternity later. Finally, ये भाई साहब थोड़े से सेटल हो गए हैं, अब मैं भी अपने टेंट में थोड़ी सेटल डाउन हो जाऊं। और मुझे बहुत जोर की भूख लग गई है, चलिए नाश्ते का कुछ इंतजाम किया जाए। What's it? So friends, ब्रेकफास्ट में मैं बनाने वाली हूँ ये ब्लैक कॉफी, और साथ ही में मेरे पास सैंडविच का सामान है। देखो चीज है, ब्रेड है और आलू है। मैं सोच रही हूँ कि इसको मुंबई स्टाइल में टोस्ट करें क्या। आ रही है ना कैंपिंग वाली फील, मजा आएगा। बेबी अब आप दूर रहना, ओके, इधर नहीं आना गैस के पास में। दिस इज माय स्पेशल कॉफी। अरे वाह, What a perfect breakfast! मजा आ गया यार। लॉकडाउन में बाहर तो कहीं जा नहीं सकते हैं, और कैंपिंग करना मुझे काफी पसंद है। आप लोगों ने शायद मेरे वीडियोस भी देखे हो पहले, कैंपर वैन वाला, और एक सिम्बू भाई साहब को मैं लेके गई थी, हम लोग कैंपिंग करने के लिए गए थे। तो ये भी यहाँ है, मैं भी यहाँ हूँ, बहुत सही फील आ रही है। आई एम एंजॉइंग इट। आप लोगों को मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? A few inches later. मेरे इस कैंपिंग बैग में मैं कुछ बहुत ही अमेजिंग चीज लेकर आई हूँ, आप लोगों को देखना है वो क्या है।
ये है सोनी की न्यूली लॉन्च्ड माइक रेंज एंड दिस वन इज द न्यू सोनी वायरलेस माइक्रोफोन. यू नो दिस माइक गिव्स यू अ क्लियर केबल फ्री हाई क्वालिटी साउंड. इसकी रेंज ऑलमोस्ट 200 मीटर्स तक की है और इसकी बैटरी 9 आवर्स तक लास्ट करती है. देयर इज अ विंड स्क्रीन व्हिच यू कैन अटैच टू योर माइक लाइक दैट, ताकि अगर आप किसी विंडी या नॉइजी जगह पर जाएं तो ये एक्सटर्नल सारा का सारा नॉइज भी कट कर देगा. दिस हैज एन ऑडियो ऑप्टिमाइजेशन फीचर ऑन द ट्रांसमिटर, जिससे आप अपने एम्बियंस के हिसाब से ना माइक का साउंड लेवल भी एडजस्ट कर सकते हो. बेस्ट पार्ट, दिस न्यू सोनी वायरलेस माइक हैज 3 मोड्स ऑफ साउंड पिकअप फंक्शन. इसके अंदर रिसीवर है, मिक्सर है और माइक है, विच मीन्स दैट नॉट ओनली द पर्सन हु हैज द ट्रांसमिटर कैन रिकॉर्ड हिज साउंड, बल्कि जो कैमरा के पीछे है वो भी अपनी साउंड रिकॉर्ड कर सकता है. एंड दिस वन इज द सोनी स्टीरियो लेवेलियर या फिर लेपल माइक, जिसे आप अपने वायरलेस माइक के साथ अटैच कर सकते हो फॉर इवन बेटर ऑडियो क्वालिटी. दिस ऑल्सो कम्स विद अ विंड स्क्रीन. This is the perfect set of indoor and outdoor mics for me. अगर आप लोगों को भी एक hassle-free wireless mic set खरीदना है, go for this one. मैं सारी details आप लोगों के लिए description box में छोड़ दूंगी. 1 minute 37 seconds later. और friends, अब मुझे लेना पड़ेगा एक छोटा सा washroom break. I know बाकी challenges में मैं सिर्फ एक break लेती हूँ, but आपको पता है ना, मुंबई में मानसून है और मानसून के time पे washroom जाना पड़ता है. तो इस वाले challenge में जितने मर्जी breaks allowed है, मैं बस यूं गई और यूं वापस आई. आ गई. वैसे फ्रेंड्स, ये जो टेंट होते हैं ना, ये लिटरली हमारे घर जैसे बन जाते हैं. हाँ, इसके अंदर अच्छी खासी जगह है, आप देख रहे हो, पूरी प्रॉपर ऐसा सोने की भी जगह है. बस एक प्रॉब्लम है, मेरे इस टेंट में लू अटैच नहीं है. मैं जब लद्दाख गई थी और जैसलमेर गई थी, वहाँ पे मैं टेंट में रुकी थी ओवरनाइट, और वहाँ के जो टेंट्स थे ना, उसके अंदर वॉशरूम भी अटैच था. कितना अच्छा होता अगर इस वाले में भी होता. जो लद्दाख वाला टेंट था ना, वो पैंगोंग लेक के ऊपर था, और वहाँ पे इतनी हवा थी, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ लोगों ने किस तरीके से उन टेंट्स को बांध रखा था वहाँ पे, बिकॉज बिल्कुल लेक के सामने टेंट्स थे. इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस. और जो जैसलमेर वाला टेंट था, वो रेगिस्तान के बीच में था, लाइक लिटरली सैंड ड्यून्स के बीच में उन्होंने वो पूरा वहाँ पे टेंट्स लगा रखे थे. तो दोनों ही एक्सपीरियंसेस अपने आप में बहुत मज़ेदार थे. अगर आप लोगों ने मेरे ये वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो देख लेना, मैं दोनों को लिंक कर दूंगी और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी छोड़ दूंगी. और यार, चैलेंजेस करते करते भूख कुछ ज़्यादा ही लगती है क्या? मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि मुझे लंच खा के फिर उसके बाद सो जाना चाहिए? चलिए, कैंप करते करते लंच बनाया जाए. लंच में मेरे पास है ये. हाँ, मेरा बहुत टाइम से मन था कि मैं कुछ अलग टाइप के कोरियन नूडल्स ट्राई करूँ. सो कैंपिंग बिना नूडल्स के तो अधूरी है. चलो इसे बनाते हैं. ये रहा हमारा पॉट. वैसे मैंने कभी सोचा नहीं था कि अपने लिविंग रूम के बीचों बीच बैठ के मैं ऐसे गैस स्टोव लगा के उस पर खाना पकाऊंगी. बहुत ही मस्त एक्सपीरियंस है. आप लोग भी कभी ऐसे कैंपिंग को मिस करो ना, यही काम कर लेना मेरी तरह. इसे खाने के लिए मेरे पास प्लेट नहीं है, कैंपिंग में ऐसे ही काम चलाना पड़ता है ना. आज पतीले में से ही खाऊंगी. लेट्स ट्राई द कोरियन नूडल्स. Really good. Sorry baby, आपको ये सब नहीं दे सकती हूँ मैं. आप लोगों ने कभी कोरियन नूडल्स ट्राई किए हैं? कमेंट से बताना. 5 minutes later. Friends, lunch done. It was awesome. वैसे मुझे ना बाहर से बारिश की इतनी तेज आवाज आ रही है कि I'm so glad कि ये टेंट मैंने अपने घर के अंदर लगाया. दिख रहा है आपको बाहर का हाल? दिन रात कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एकदम काला हो चुका है सब बाहर. छो जाए क्या? अच्छी ठंडक हो रही है, निन्नी भी आ रही है, आराम कर लेते हैं थोड़ी देर. हाँ, आपसे मिलेंगे चाय के टाइम पे. Later that same evening. चुम्मू, चुम्मू, चलो उठो.
शाम हो गई है गाइस। लोग कैंपिंग के लिए जाते हैं तो पूरा दिन भर बाहर रहते हैं और सिर्फ सोने के लिए अपने टेंट में आते हैं। हमारे साथ उल्टा ही है, हमारे पास बाहर जाने के लिए कहीं है ही नहीं। बाहर अभी भी बारिश हो रही है, सिम्बू के पास भी जाने के लिए कोई जगह नहीं है, तो हम दोनों इसी टेंट में ही रहेंगे। पर अब ना मेरा चाय का टाइम हो गया है, तो चलो चाय बना लेती हूँ, थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं। इसको नहीं उठना है। ए भाई, ए भाई, सोने का टाइम खत्म, चलो। गर्म पानी और इंस्टेंट चाय। चिम्बू का स्नैक ऐसी थोड़ी दे देंगे, थोड़ी मशक्कत करवाएंगे। हाई फाइव, शेक हैंड। गुड बॉय। सो फ्रेंड्स, चाय का कार्यक्रम हो गया है खत्म। अब कैंपिंग करने आए तो थोड़ी कैंपिंग वाली एक्टिविटी कर ले क्या? मेरे इस बैग में मेरे पास है ये डायरी और साथ ही है डूडल करने के लिए पेन। चलो आप लोगों को अपनी थोड़ी ड्राइंग दिखाती हूँ। आप लोगों को देखना है मैंने क्या बनाया है। 1, 2, 3 मुझे ना ऐसी ड्राइंग करनी आती है। बचपन में भी जब भी मैं वनशाला यानी कि हमारे जो जंगल कैंप्स हुआ करते थे वहां जाती थी, वहां ड्राइंग कंपटीशन होते थे और मेरी ड्राइंग इतनी बकवास है ना कि मुझे इससे ज्यादा कुछ और डूडल करना नहीं आता है। पर आप लोगों की भी ना कोई बहुत अच्छी ड्राइंग नहीं है। मेरे कितने सारे फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझे फैन आर्ट भेजते रहते हैं। कुछ लोग तो इतना प्यारा प्यारा मेरा फैन आर्ट बनाते हैं और मेरी पेंटिंग्स बनाते हैं, आई जस्ट लव देम। और कुछ ऐसे बच्चे होंगे या मेरी तरह नौ सीखे होंगे जो कोशिश करते हैं बनाने की। यार तुम लोग मेरी शक्ल का क्या नक्शा बिगाड़ देते हो और फिर मुझे बोलते हो दीदी रीपोस्ट करो। आई वॉन्ट टू इनकरेज यू बट प्लीज मेरे चेहरे पर नहीं। तो चलो मैं भी अपनी ड्राइंग सुधारती हूँ, आप लोग भी सुधार लो, मिलते हैं डिनर टाइम पे। Soon after. So friends, बाहर की दुनिया से हमारा आज का इकलौता कनेक्शन ये खिड़की हमें बता रही है कि बाहर अंधेरा हो गया है। इसका मतलब है कि डिनर करने का टाइम हो गया है। अब मैं डिनर में क्या खाऊंगी दिखाती हूँ आप लोगों को। इंस्टेंट फूड चैलेंज याद है ना आप लोगों को, उसमें से मेरे पास ये बच गया था। पाव भाजी, चलो बनाते हैं। आप साइड हो जाओ, गैस जलाएगी मम्मा। इधर हो जाओ, इधर 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 इधर। ओके मेरे पास कोई बटर वटर नहीं है इसको सेकने के लिए। कैंपिंग स्टाइल में ही डिनर खाने वाली हूं मैं। पैन के अंदर से भाजी लगाऊंगी पाव में और इसे डालूंगी अपने मुंह में। भाई वाह, आई एम सो ग्लैड मैंने उस चैलेंज में ये पाव भाजी का पैकेट बचा लिया था। सोचा नहीं था इस तरीके से काम आएगा। बहुत मजा आ रहा है। इट्स रियली नाइस यार। गाइस, कैंप में करने वाली हमने सारी एक्टिविटीज तो ऑलमोस्ट आज कर ली हैं, बस एक चीज की कमी रह गई है, बॉनफायर। अब यहाँ पे बॉनफायर कैसे होगा? लेकिन बॉनफायर में जो लाइव म्यूजिक का माहौल होता है और उस पर जो डांस करते हैं वो हम कर सकते हैं। देखो मेरे पास ये इंस्ट्रूमेंट है, ये बजाती हूँ, देखते हैं सिम्बू डांस करेगा क्या। सिम्बू, एक हो गए हम और तुम, तोड़ गए तेरे और खन की पायल मस्ती में तो खान खान तेरे। चलो गाइस, मुझे जाना है वॉशरूम। मैं यूं गई और यूं वापस आई। सिम्बू मेरे टेंट में कुछ करियो मत, सिट नाइसली, ओके? आई एम जस्ट कमिंग। ऑलराइट, आई टुक द लिबर्टी ऑफ वॉशिंग ऑफ माय फेस आल्सो, क्योंकि अब मुझे चाहिए थोड़ा सा मी टाइम और मैं जा रही हूं सोने के लिए। सिम्बा जी, अब आप निकल जाओ मेरे टेंट से बाहर। इसे तो मैं नहीं सुलाऊंगी क्योंकि एक बार इसको कैंपिंग के लिए लेके गई थी और वहां पे इसने वाट लगा दी थी। चल निकल, जाओ आप अपने बेड में सोना। यहाँ पे नहीं सोना है, यहाँ पे नहीं सोना है।
नहीं सोना है। ओ नो, ओ नो, निकल कहाँ निकल। गाइस वीडियो अच्छी लगी डू इट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब टू करवास। गुड नाइट टाटा।